अस्सलाम वालेकुम भाई लोग क्या हाल चाल यार वेलकम बैक हो गए एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर यार यहाँ पर सीन ये होता है यहाँ पर नहीं कल मेरे साथ एक बाबा जी बहुत ही खतरनाक सीन हो जाते हैं मतलब मोए मोए समझ सकते ना मोए मोए हो जाता है मेरे साथ कल तो सीन ये होता है कि यार मैंने आप आप लोगों के लिए ना वीडियो रेडी की मैंने कहा भाई इसको ना एक साइड पर क्लचिस को कर लेते हैं बाकी जो फालतू वीडियो है उसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस बिल्कुल नहीं थी वीडियो सेव करने की खैर मैंने क्लचिस वाली वीडियो को एक साइड पर किया और बाकी जो वेस्ट वीडियो थी ना मैं उसको डिलीट करने लगा और भाई उसी बीच में जो मैंने चीज़ वाली वीडियो एक साइड पे की थी वो भी डिलीट हो हो जाती है है मेरे से मतलब मौग मौग हो जाता इसलिए मैंने कल ना क्रेट ओपनिंग वाली वीडियो अपलोड कर दी लक काफी अच्छा रहा है बाकी ना भाई उसको भी देख लो जाके वन पॉइंट फाइव के लाइस का टारगेट है कंप्लीट करोगे तो भाई आपको ना फाइव रॉयल पास का गिव ये होगा ऑन लाइव स्ट्रीमिंग तो अगर कर सकते हो तो करवाओ यार रॉयल पास जीतने का चांस पाओ यार आज का जो गेम प्ले काफी ज्यादा खतरनाक होने लगा है और ना साथ में हमारी अपने ही टीम के साथ बाबा जी तू तू मैं मैं हो जाती है तुम आगे जाकर ना सीन आपको समझाऊंगा लेकिन उससे पहले आप लोग ये वाला क्लच इंजॉय करो अभी इनसे मैं रिवेंज लेने के लिए आता हूँ बाबा जी ये पूरा हैवी किस्म का स्क्वाड होता है एक बंदा इनका डाउन हो जाता है दूसरा बंदा आता है बाबा जी मेरी यहाँ पे जो होती है एस थर्टी टू ये रिलोड पे जाती है इसको यहाँ पे नोक करते हैं दूसरे बंदे को जो है ना फ्री फायर देते हैं बाबा जी साउंड के बदले जो है ना इसको हम यहाँ पे नोक कर लेते हैं ठीक है यहाँ पे इसको जैसे ही नोक करता हूं ना इसका बंदा जो होता है लास्ट चौथा बंदा वो थोड़ा पीछे होता है तो स्पीड को यहाँ पे थोड़ा सा तेज करते हैं और अपने आप आपको जरा ना ही करते लेते हैं वो बंदा भी सामने आके जो है ना अपने टीम को रिवाइव देने की कोशिश शुरू करता है लेकिन मुझे पता था इस दफा रिवाइव होने नहीं देना तो जल्दी से हमें पुश करते हैं आखिरी बंदा होता है इनका तो यहां पर जो है ना बाइजत तरीके से इसको भी नोक करते हैं अभी इनके पास कोई रिकार वाला सिस्टम पड़ा होता है तो फिनिश नहीं होते खैर उनको हम उरा परा कराने के बाद ना यहाँ पर आते हैं यहाँ पर आप लोगों ने देखा मेरे सामने बाबा जी तीन तीन बंदे लैंड हुए थे तो आपका भाई साइड पे आ जाता है और जैसे मैं गाड़ी रोकता हूँ ना भाई साहब वो बंदे भी मेरी तरफ आ जाते हैं मतलब सीधा पुश करने वाला सीन होता है उन्होंने सोचा होगा एक ही बंदा है आराम से उनसे काबू आ जाएगा लेकिन मैं भी काबू आने वाला काम हूँ बाबा जी हाथ खुला हुआ था और मैं ऊपर से सोलो स्क्वाड जब खेलता हूँ ना बाबा जी गेम तो एंड लेवल और भाई साहब ये किल मैसेज तो उससे भी ज़्यादा एंड लेवल आ रहा है ना क्योंकि पैसा लगा है बाबा जी खैर बाबा जिनके दूसरे बंदों को यहाँ पे नोक करते हैं और ना आपका भाई फोर वी शाली बना हुआ था किंग हो गया

कन्फर्म कर लेने चाहिए क्योंकि बाबा जी कोई पता नहीं होता कहाँ से कोई कैंपर आके आपको मार जाए अपने किल चोरी कर ले खैर अभी ना यहाँ पर मैं अपने टीमेट का रिवेंज लेने के लिए आता हूँ लेकिन सीन मेरे ऊपर ही खराब हो जाते हैं यहाँ पर ना मेरे टीम मरे होते हैं तीन दो टीमर को जो है ना नंबर वन और टू को इन बंदों ने मारा होता है पूरे चार बंदे होते हैं खैर यहां पर आकर मैं इनको फायर देता हूं ये बंदे भी मेरे ऊपर रुके बगैर ठुके बगैर चढ़ाई कर देते हैं लेकिन अब भाई भी इतना सौखा काबू आने वाला नहीं था तो दो बंदे इनके लगे हाथ डाउन कर देता हूं तीसरा बंदा बाबा जी चैक करो अच्छा डैमेज दे रहा था तो लगे आज ना अपने आप को हेल्थ वगैरह भी लगा लेते हैं खैर हेल्थ लगाने की देर होती है कि यहाँ पर ना एक बंदा पंछी बनू उड़ती फिर गाना सुन के ना यहाँ पर उड़ता उड़ता चेक करो आ रहा होता है खैर इसको डैमेज देने की ट्राई करता हूँ लेकिन ये बंदा बच जाता है किसी तरीके से अभी ना यहाँ पे सी यू होता है कि का जो तीसरा बंदा होता है ना जिनके मैंने दो डाउन किए इसको भी यहाँ पे नोक कर लिया जाता है लेकिन जो चौथा बंदा होता है ना वो सामने वाला बंदा मार जाता है जो कि अभी अभी के आया खैर यहाँ पर उस बंदे से भी आपका भाई लेने लगा है इसने मेरा खराब किया तो किया कैसे है? तो बाबा जी रुके बगैर ठोके बगैर इस बंदे पर भी चढ़ाई करते हैं और यहाँ पर ना इसको भी बाजे तरीके से नोक और फिनिश करते हैं क्योंकि रिवेंज होना है ना यू नो खैर अभी चलते हैं हमारे अगले स्क्वाड वाइफ की तरफ यहाँ पर मेरे और मेरे टीमर की बहस चल रही होती है बहस इस बात पर होती है कि मैं और मेरा टीमर जो होता है ना नंबर थ्री मैं उसको लेके जाता हूँ भाई साहब मिड स्टेन मिड स्टेन में जाकर ना मैं उनको बोर्ड फायर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर एनिमीज़ होते हैं एनिमीज़ को ये बंदा क्या करता है एम का बोर्ड फायर देता है मैं माइक कहता हूँ कि भाई एम का बोर्ड फायर कौन देता है यार वो बंदे यहाँ पर अब कुछ नहीं करेंगे वो यहाँ से भाग जाएंगे अभी इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी इस बात की तो मुझे समझ नहीं आई लेकिन ये बंदे जो है ना मुझे गालियां देना शुरू कर देते हैं नंबर तीन और चार खैर ये समझ रहे थे कि अकेला बंदा है बाबा जी काबू आ जाएगा लेकिन बाबा जी मैं घर में अकेला था और कमरे में भी अकेला था तो आपका पता है फिर मैंने इनके साथ वो किया है जो करने का हक़ बनता था इनको मैंने ऐसी सुनाई है ऐसी सुनाई है पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे कि बाबा जी किसी बंदे ने इनको गालियाँ दी हैं और ये दोबारा किसी को गाली देने की कोशिश नहीं करेंगे खैर इसके बाद मैं इनको रिपोर्ट भी मारता हूँ और इनका जो बंदा होता है वो बैन भी हो जाता है मतलब लगे हाथ उसके भी पकौड़े लगा देता हूँ मैं जाते जाते यू नो आपको पता है फिर सीन अभी यहाँ पर सीन नहीं होता कि ये तीन होते हैं ये तीनों के तीनों है बाबा जी मजा आ जाता है हमारे अगले स्को की तरफ यहां पर बाबा जी ऊपर बंदे बैठे होते हैं ये ना फ्री वाले किल्स बोलती है पब्लिक यहाँ पर ये बेचारे नोक पड़े होते हैं रिवाइव होते हैं लगे आते उनको मैं दोबारा यहाँ पे नोक करके फिनिश करा देता हूं मैंने कहा ऐड करते हैं भले ही हमें फ्री के किल्स मिले हो लेकिन हमारा यहाँ पे भी थ्री ओके की रिपोर्ट में डन हो जाता है बाकी इन सबको यहां पर ना स्पाइडर जंप करता है और लेकिन ये स्पाइडर मेरे लिए थोड़ा भाड़ी भी पड़ जाता है क्योंकि यह बंद टाइम यहाँ पे होल्ड करके चेक करो लगा के बैठे होते हैं अभी ये बंदे होते भी अपग्रेडेड है तो मैं ना यहाँ पर नीचे जंप कर देता हूँ नीचे जाते जाते मेरी ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा हेल्थ खा जाते हैं तो मैं यहां पर जल्दी से अंदर भागता हूँ और अपने को हिल

पे बेजे तरीके से और यहां पे फिनिश भी करा दिया जाता है अभी चलते हैं हमारे अगले स्को डाइप की तरफ तो यहाँ पर सीन ये होता है कि मैं जोन से आ रहा होता हूँ कि एक बंदा रास्ते में नोक पड़ा मिलता है इसको यहाँ पे बाबा जी बाज़्जत तरीके से फिनिश कराया जाता है हेल्थ थोड़ी होती तो मैंने सोचा यहाँ रुक के हेल्थ लगा ली जाए लेकिन इतनी देर में बाबा जी दोनों तरफ से बाबा जी आगे पीछे से ना फायर पड़ता है मेरी गाड़ी ये लोग ब्लास्ट कर देते हैं अपने आप को थोड़ा सा हील करता हूँ मैं कि सामने वाले बंदों को मैं सपोर्ट करने की ट्राई करता हूँ अभी ये इसने भी एक सूट पहना हुआ था ग्लेशियर ग्लूशियर इसके पास भी थी तो अब कहा भाई यहाँ पे बाइज़त तरीके से इसको भी नोक कर लेता है इसको नोक करने के बाद मैं अपना स्केटबोर्ड यूज़ करता हूँ

क्योंकि बाबा जी विराट कोहली के फैन कैच पकड़ लेते हैं लेकिन हमारा तो किंग बाबर आजम है ना खैर यहाँ पे लगे आते इनका इनका नहीं मतलब लास्ट बंदा रह जाता है तो यहाँ पर ना इसको भी बाजित तरीके से पकड़ते हैं बाकी वीडियो को भी यह भी ख़त्म किया जाता है लाइक और सब्सक्राइब करके रसमत अदा कर देना अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक केयर कल मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ